वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मेरा नाम है सत्यम सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना स्टडी चैनल लर्न विथ लर्नर। तो आज हम अलंकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं और अलंकार एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल प्रश्न देखने को मिलता, 2 से 3 प्रश्न इससे 100% पूछे जाएंगे। तो फिर हम आ जाते हैं, शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, पीपर पात सरिसमंडोला में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ेंगे। उपमेय और उपमान, सॉरी उपमान और उपमेय में अभेद को क्या कहते हैं? जहाँ उपमान और उपमेय में अभेद रहता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर होगा उसको उत्पेक्षा अलंकार कहते हैं। और इसी टाइप का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ही पूछने को मिलता है, उपमेय में उपमान का आरोप होने से कौन सा अलंकार होता है? उपमेय में उपमान का अलंकार आरोप होने से कौन सा अलंकार होता है? तो होता है अपहूति अलंकार, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ बिना कारण के कार का होना पाया जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? इसका उत्तर दीजिए, विरोधाभास, विशेषयोक्ति, विभावना या भ्रांतिमान। जहाँ बिना कारण के कार हो वहाँ पे होता है विरोधाभास अलंकार, सॉरी वहाँ पे होता है विभावना अलंकार। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ उपमेय का निषेध करने जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। बढ़ते हैं फिर आगे अगले क्वेश्चन पे, जहाँ शब्दों की आवृत्ति किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, श्लेष अलंकार कौन सा है? तो श्लेष अलंकार शब्द अलंकार होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ उपमेय में उनके उपमानों की संख्या होती है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। फिर आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो हम कर चुके हैं कि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार अर्थालंकार? तो डी, रूपक अलंकार अर्थालंकार। अलंकार में शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्रियां आभूषण से अपनी शोभा बढ़ाती है उसी प्रकार अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शब्द अलंकार कुल कितने भेद हैं? तो शब्द अलंकार के कुल 5 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा। मुदित महापति मंदिर आए सेवक सचिव सुमित बुलाए में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 3 बेर खाती है सो 3 बेर खाती है, तो यहाँ पे होगा यमक अलंकार, क्योंकि एक ही शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं यहाँ पे। चरण कमल बंधु हरियाई, तो ये क्वेश्चन 2022 का प्रश्न है, चरण कमल बंधु हरियाई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। रिजेक्ट ये क्वेश्चन 2022 में हूबहू पूछा गया था। तो अलंकार से 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे आपको, वो भी बहुत ही बेसिक सा अलंकार देखने को मिलेगा। आप लोग शब्द अलंकार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अर्थालंकार भी देख लीजिएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा रूपक अलंकार है? इसका मुंह चांद्र के समान है, ये रूपक अलंकार है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रूपक अलंकार होता है तो उपमेय उपमान के अभेद में रूपक अलंकार होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए में कौन सा अलंकार? तो यहाँ पे एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद कली क्रांति थी, तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। बढ़ते नेक्स्ट पे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर गांव में कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फूले का सकल माही छाई जानू बिरसु ऋतु प्रकट बढ़ाई, प्रकट बढ़ाई में कौन सा अलंकार है, इसमें उत्पेक्षा अलंकार है। जीव जीव बढ़े श्याम रंग त्यू त्यू उज्ज्वल होए में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर विरोधाभास होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चरर मरर खुल गए रौस फूतों से, यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। और सब कुछ सही रहा तो आपको दो क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं वे इसी क्लास से मिल जाएंगे, तो आप लोग इस 50 प्लस क्वेश्चन को अच्छे से देखते हुए चलिए। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय जो खाए बौराए जो पाए बौरा, तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। नवल श्याम सुंदर शरीर में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर उल्लेख अलंकार है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न पे। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी, तो यहाँ पर अलंकार होगा यमक अलंकार होगा, क्योंकि इसमें बेर का अर्थ दोनों बार अलग अलग है। अब अली रही गुलाम में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है, इसमें अनुयक्ति अलंकार है। संदेशनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ पे लोक व्यवहार से बढ़ा चढ़ा के कुछ करने की योजना बनाई जाए, जैसे कि राजा जैसे कि आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राजा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, तो इसी तरीके से इसे अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है, जहाँ पर लोक व्यवहार से बढ़ के बातें कही जाती हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सूची नेमी जनक सुतावर में कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुंद इंदु सम देह उमा रमन कड़ु नयन में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। और जितने प्रकार के अनुप्रास इस प्रश्न में शामिल किए गए उतने प्रकार के अलंकार आप देख के जाते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा सरदृश्य अलंकार नहीं है, तो विभक्ति अलंकार, सॉरी विशेष युक्ति अलंकार। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रावण सर सरोज बनवारी चली रघुवर सिली मुखधारी में कौन सा अलंकार, तो यहाँ पे शेष श्लेष अलंकार होने वाला है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न पे। उषा सुनहले तीर पर सती जयलक्ष्मी से उदित हुई, यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु कहना कर बिनु कर्म करे उस विधि नाना, तो यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे विभावना अलंकार होगा। कुल कानन कुंडल मोर पंख उर पे बनमाल विराजती में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पत सपत पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ पे लाटानुप्रास होगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न पे। काली घटा का घमन घटा नभ मंडल तारक मध खिले प्रस्तुत में कौन सा अलंकार, तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो रहीम गति दीप सी कुल कुपूत गति सोए में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार, तो यहाँ पे यमक अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला यहाँ पे सॉरी उपमा अलंकार है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाल मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ में कौन सा अलंकार है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उपमा अलंकार। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शशिमुख मंडल शशिमुख घूंघट डाले अचल दीप में
छिपाए में कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ रूपक अलंकार होगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पाए में कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ पे भी रूपक अलंकार होगा। और ये क्वेश्चन भी हमें लास्ट ईयर देखने को मिला था, पायो जी मैंने राम रतन धन पाए में कौन सा अलंकार। और दो ऐसे ही इजी क्वेश्चन देखने को मिले थे, बहुत भारी भरकम कोई शब्द पूछ के अलंकार नहीं पूछ रहा था उसमें। तो जो इजी अलंकार का एग्जाम्पल वे देख लीजिएगा, और जो इसमें हम 5-6 प्रकार के अलंकार कराए हुए देख लीजिएगा, उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हिमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी गए नोबरे मोती मानस चून में कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। चंदन बीस व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे अदगुण अलंकार होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पाप पहार कई सोई भरी कोई जल जोई न कोई, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पे नित्यानुप्रास होगा। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े अनेक बूढ़े बहे अनेक में कौन सा अलंकार है, यहाँ पे रूपक अलंकार है। मैं मोह चंद खिलौना चाह में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे फिर से रूपक अलंकार रहेगा। चरण कमल बंधु हरियाय में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे फिर से रूपक अलंकार रहेगा। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, खिली हुई हवा आई फिरकी सी चली गई में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है, फिरकी सी चली गई। तो अलंकार के हम आज 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लें, और इसी को एक बार और आप तो लोग देखिएगा, इसी क्वेश्चन में से आपको अलंकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। पापी मनुष्य भी आज मुख से राम राम निकाले में कौन सा अलंकार है, तो इसमें भी दृष्टांत अलंकार है। चारू चंद के चंचल कीड़े खेल रही थी जल थल में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। जो सुख सूजस सुबल मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो आज के क्वेश्चन 55 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आप लोग इसमें ज़्यादा सारे क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना, मिलते हैं सर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।